आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप लाल मुर्गा भी बोल सकते हैं या कई जगह में कॉक्स कॉम भी बोलता है इसे, और ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है और ठंडा में तो ये बहुत ही इस तरह का, इतना ही चौड़ा चौड़ा इस तरह का, जिसे मुर्गा का ऊपर आप देखे होंगे, कभी मुर्गा देखे होंगे तो लाल लाल इस तरह का चौड़ा चौड़ा हिलता हुआ नज़र आता है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो कुछ चौड़ा हो जाएगा, और इसी तरह का देखने में बहुत ही सुंदर पौधा है ये। इसे अपने घर में आप ज़रूर लगाएं। इस पर ये धूप में ज़्यादा आप नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, आप इसे घर के दुगारी पर, गेट पर भी रख सकते हैं और डोर पर भी रख सकते हैं। इसे उतना धूप की दरकार नहीं पड़ता है, हल्का फुल्का भी धूप पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ इस तरह का दिखता है कि जैसे लगता है कि ओरिजिनल पौधा है ही नहीं, ये तो लग रहा है कोई प्लास्टिक का। इसका पत्ता देखेंगे तभी लगेगा ये प्लांट है, नहीं तो इसका कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्लास्टिक का प्लांट है। और इसका पौधा आप कहाँ से करें, कैसे इसे लगाएं, इसके कटिंग लगता है या इसका बीज होता है, और बीज होता है तो किस जगह होता है, इसके बारे में पूरा अच्छा से जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और इसी तरह हमारे चैनल में आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको हम ये बताने वाले हैं कि ये प्लांट आप कैसे घर पे तैयार करें। देख सकते हैं ये जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, कम से कम 3 फीट होता है ये पौधा, और भी लंबा भागता है। यदि आप ऊपर से इसे कटिंग कर सकते हैं या कटिंग कर देते हैं तो ये थोड़ा छोटा में हो जाता है। इसे हम कटिंग नहीं किए हैं तो कम से कम 5 फीट का होगा ये पौधा। तो आप जितना ये ऊपर जाएगा और नहीं इसे कटिंग करेंगे तो किसी हवा आदि चलता है तो ये गांच ऐसा लप जाता है। तो इसी कारण से इसे कटिंग ज़रूर करें अपने घर पर। तो कटिंग करेंगे तो आपका ये देखेंगे कि हर एक तरफ से ये डाल फेंकेगा, और जितना ही डाल फेंकेगा उतना ही इस तरह को आपको देखने के लिए मिलेगा। पर कटिंग से इसे लगाई नहीं, क्योंकि कटिंग से लगता नहीं है, लगता है आपका इसी पौधे का बीज होता है। तो ये बीज होता कहाँ है इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे। तो आप जो ये देख रहे हैं ये पौधा, आप कुछ इस तरह झाड़ेंगे तो आपको बीज देखने के लिए मिल जाएगा। ये सूखा हुआ रहेगा, ये सूखा हुआ नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको झाड़ के दिखाते हैं कि इसका बीज होता कैसे है। और इसका बीज होता है केवल साग, लाल साग का बीज देखे होंगे तो आपको कुछ उसी तरह का बीज देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं हम थोड़ा बहुत झा रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आप लाल साग यदि घर में रोपे होंगे तो कुछ लाल साग का ही तरह ही बीज रहता है, एकदम छोटा रहता है इसका बीज। और इसे बीज को लगाना कैसे है, जैसे आप इसे केवल रेत ले लें यानी कि बालू, आप बालू में हल्का फुल्का इसे छीड़ दें और इसे रखें। जब अब बरसात का सीज़न है तो पानी बरसात में या खुले छत पे नहीं रखें, क्योंकि ये बह जाएगा, बहुत छोटा बीज है। तो इसे आप घर पर ही रख लें, और जब इसका छोटा छोटा बेबी प्लांट आ जाए तभी आप इसे छत पर रखें। इसका जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसका जो बीज देख रहे हैं, बहुत ही चमकदार बीज है, और इसी तरह का फूल से होता है। जब इसका फूल ये सूख जाता है, ये तो कम से कम नहीं भी तो 15 से 20 महीना तक इसका फूल का कुछ होने वाला नहीं है, केवल ये बहुत ही सुंदर होता है। और इसका बीज जब भी कहीं भी झड़ता है तो इसका प्लांट, नया प्लांट तैयार हो जाता है। यदि आपको किसी को देना है ये प्लांट तो आप बीज दे सकते हैं, वो घर पर प्लांट को तैयार कर सकता है। तो आप इसका केयर कैसे करें, तो केयर आपको मिट्टी में, आदि ज़्यादा प्लांट लेना है या ज़्यादा इसे फूल लेना है तो आप इस पर क्या करें, आप घर का जो आप कचरा को फेंक देते हैं, जैसे कि आप आलू ले लें, प्याज का छिलका ले लें, चाहे कोई भी सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो उसे क्या करें, आप एक बाल्टी में स्टोर कर लें और उसको क्या करें, 5 लीटर पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आप उसे 2 दिन छोड़ दें, हल्का फुल्का उसमें गंद आ जाता है पर पौधा के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आप हर एक बार मिट्टी में
मिट्टी बदलते नहीं हैं और ना ही इस पर खाद वगैरह डालते हैं, तो इसको कुछ विटामिन मिलना ही चाहिए। तो वो जो आप प्याज है या आलू का छिलका है, इस प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। आप 15 दिन पर इसे 5 लीटर पर डाले हैं तो 1 लीटर पानी मिलाकर इस प्लांट पर डालें तो ये अधिक से अधिक फूल देगा और बहुत दिन तक ये पौधा रहेगा। ठंडा में तो ये पौधा बहुत ही फूल देता है। तो आपको हमारा ये जो जानकारी है कैसा लगा हमें कमेंट करें, और इसी तरह का हमारे चैनल पे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ जानकारी लेना है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह का हमारे चैनल पे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। धन्यवाद।